दोस्तों नमस्कार। औषधि पौधों की गुड़ के बारे में जो कड़ी चली आ रही उसी में एक और वीडियो आपके सामने आज मैं जोड़ने जा रहा हूँ। ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, आपको ध्यान से देखिए दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप जरूर गांव के लोग तो जरूर जानते होंगे। ये है कंठकारी, जिसको हम कटेरी या भदकतैया भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसके प्यारे प्यारे फूल दिखाई दे, पर्पल कलर के, और पत्तियों में देखिए कांटे भी दिखाई दे रहे हैं। इसका जिक्र आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में है। आपको जो ये पौधा दिखाई दे रहा है, इसका जो जिक्र है आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत सारे हैं। इसे सोलेनम वर्जिनियम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इंग्लिश में इसे सोलेनम वर्जिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह कांटेदार झाड़ियां या पौधे बोल सकते हैं हम। देखिए झाड़ियों के रूप में दिखाई देती है, पर ये पौधा ही है जो फैलता रहता है, जमीन में फैला हुआ रहता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके पत्तियों, तने और फूलों के पास, इसके पत्तियों, तने और फूलों के पास है। देखिए फूलों के पास, ये देखिए फूलों के पास, हाँ, कांटे ही कांटे हैं, बस पंखुड़ियों में कांटे नहीं होते। ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ये देखिए पंखुड़ी आपको दिखाई दे रहा हो, ये पंखुड़ी देखिए, इस पंखुड़ी में, ये पंखुड़ी के ऊपर हिस्से में कांटे नहीं है। देखने में यह जरूर कांटों से परिपूर्ण है, परंतु यह आपके लिए औषधि गुणों से भरपूर है। कांटे बहुत है पर औषधि गुण इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तेलुगु में इसे वाकड़ू बोलते हैं। इसके फल बैंगन की तरह छोटे छोटे होते हैं। इसके फल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैंगन की तरह ही छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए ये फल ये देखिए बैंगन की तरह छोटे छोटे होते हैं और ये कुछ समय बाद ही पकने लगते हैं। पका हुआ फल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये आपको पका हुआ फल है। तो ये पौधा विशेषकर फेफड़ों के लिए, नाक के लिए और कफ के लिए गुणकारी पौधा है। यह पूरे देश में पाई जाती है और कफ रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है ये पौधा। आप इस पौधों को गांव के परिवेश में जो लोग रहते हैं वो आसानी से इसे पहचान लेंगे। शहर में रहने वाले लोग इसे जनरली नहीं देखे होंगे, क्योंकि वहाँ ये पौधा नहीं पाया जाएगा। यदि होगा तो कुछ लोग गमले में लगा के रखे होंगे, आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। कफ और खांसी के लिए इसके पंचांग को कूटकर काढ़ा बना लें और बनाकर उसके पीने से काफ़ी हद तक फायदेमंद होता है कफ और खांसी के लिए। दूसरा ये है कि दांत दर्द में, इसका दांत दर्द में बहुत उपयोगी होता है। ताजे पौधे को कूटकर रस निकाल लें। इस रस को रुई में भिगो कर इसे दाढ़ के नीचे, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर दाढ़ के नीचे रखने में से दर्द में तुरंत राहत मिलती है। इसकी जड़, छाल, पत्तों को काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इससे भी दांतों के दर्द में काफ़ी हद तक फायदा पहुँचता है। इसके रस को बालों की जड़ों में, इनके पत्तियों को और तंथल जो भी इनका रस निकलेगा, उस रस को निकाल कर अच्छी तरह से बालों की जड़ों में लगाने से बालों का झड़ना बंद हो जाए, नए बाल उगेंगे और यदि रूसी है तो वो बालों में इससे मुक्ति मिल जाएगी। यदि रूसी है तो बालों में इस रूसी से मुक्ति मिल जाएगी इसके रस के, रस लगाने से बालों के जड़ों में। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो बीमारी होती है बालों में वो है गंजापन। कई ऐसे लोग हैं जिनके बाल में एक कीड़ा काटता है जिसके चलते उनके बाल पूरे झड़ जाते हैं, बिल्कुल तक गंजे की तरह दिखने लगते हैं। तो मैं बता दूं कि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके रस को निकाल कर डेली सुबह शाम आप अपने सिर में लगाएंगे जहाँ पर बाल नहीं है, तो आप देखेंगे कि 4-5 सप्ताह के अंदर वहाँ से बाल निकलना चालू हो जाएंगे। तो ये नुकसानदायक नहीं, इसे ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो,
तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस ऐसे जिनको कीड़ा काटा हो और उनका बाल पूरे बाल सिर से झड़ गया हो और गंजे की तरह दिख रहे हो, तो आप उनको ज़रूर इसके रस को लगाने का विधि बताएं जिससे उनको ये अपना फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, ये देखिए इतना ही है आज के इस वीडियो में। आपको ये ज़रूर दिखाई दे रहा होगा पील, इसके जो फ्लावर हैं फल फूल हैं काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं। आप इसको गमले में एक सजावटी के दृष्टि से भी आप इसे लगा सकते हैं। बने रहिएगा, और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।